हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6 सी का क्वेश्चन नंबर ये है 10। और ये क्वेश्चन है सेट्स का ये क्वेश्चन लिया गया है आईसीएसई मैथ की बुक से। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आ जाओ भाई, देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है गिवन यूनिवर्सल सेट, ये जो यूनिवर्सल सेट दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दिया गया सेट एन और सेट पी, ठीक है, इसको हमें लिखना पड़ेगा इस सेट बिल्डर वाला में जो लिखा गया है यूनिवर्सल सेट, उसमें से सेट एन का जो है हमें एलिमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एन में क्या लिखा गया, एन सच दैट एन इज ए नॉन नेगेटिव नंबर, एंड पी में लिखा गया एक्स सच दैट एक्स इज ए नॉन पॉजिटिव नंबर। हमें फाइंड करना है एन कॉम्प्लीमेंट और पी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो सेट बिल्डर में लिखा गया है यूनिवर्सल सेट, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो कन्वर्ट करते हैं। लिखा गया है यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा लिखते हैं U से डिनोट करते हैं, तो U से हमने लिख दिया यूनिवर्सल सेट को। और यहाँ क्या लिखा है, X इज बिलोंग टू W, X की वैल्यू कहाँ से आ रहा है, X की वैल्यू कहाँ से आ रहा है, Z से। Z मतलब क्या होता है, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, जो नंबर शुरू होता है जीरो से और लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होते हैं सभी नेगेटिव होता है और राइट साइड में जितने नंबर होते हैं सभी पॉजिटिव होता है और इन्फिनिट तक दोनों तरफ जाता है, ये होता है इंटीजर। ठीक है, तो Z से आ रही है और कितनी आ रही है वो पता चलेगा यहां से। यहां लिखा गया है माइनस सिक्स इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू सिक्स। ठीक है, यहां तो समझ में आ रहा है कि एक्स की वैल्यू जो है सिक्स से छोटी और सिक्स के बराबर है तो सिक्स को लेना ही पड़ेगा। ठीक है, छोटी होती तो मैं यहां फाइव लेते, लेकिन बराबर नीचे ये सी लाइन है ना, बराबर तो सिक्स को लेना पड़ेगा, लेकिन यहां कितना आ रही है वो यहां से कितनी आ रही है वो यहां ऐसे समझ लेते हैं। यहां लिखा गया माइनस सिक्स इज लेस देन एक्स। ठीक है, तो एक्स इसको अगर पलट देंगे तो एक्स इज ग्रेटर देन माइनस सिक्स। ठीक है, तो माइनस सिक्स से ग्रेटर कितना होता है, माइनस सिक्स से ग्रेटर होता है माइनस फाइव। ठीक है, तो माइनस फाइव से लेके सिक्स के बीच में जितने नंबर होगा उसको इस यूनिवर्सल सेट में लिख लेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, तो लिख लिया हमने। अब क्या करना है, हमें सॉल्व करना है सेट एन को, ई यूनिवर्सल सेट में से सेट एन का जो है हमें एलिमेंट निकालना है। तो इसमें क्या लिखा गया, एन सच दैट एन इज अ नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव मतलब क्या होता है, जो नेगेटिव ना हो मतलब पॉजिटिव हो। तो इस नंबर इसमें से हमें कौन सा एलिमेंट निकालना है, जो पॉजिटिव हो इसी में से निकाल लेना है यूनिवर्सल सेट में से। ठीक है, तो एन इक्वल टू क्या हो गया, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव नंबर, तो एन इक्वल टू जितने भी पॉजिटिव है उसको हम लिख लेते हैं। क्या है जीरो, जीरो ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव, तो जीरो को नहीं लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हाँ सिक्स तक ही है। ठीक है, तो ये हो गया है। अब क्या करना है, हमें निकालना है फर्स्ट वाले के लिए एन कॉम्प्लीमेंट। एन कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से हमने पॉजिटिव नंबर को निकाल लिया है और जो बचेंगे वो एन का कॉम्प्लीमेंट होगा। इसमें क्या बचा है, पॉजिटिव नंबर को तो हमने निकाल लिया है, अब ये जो बचा है यही है एन का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, तो ये है एन का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यही बचा हुआ था एन को निकालने के बाद, एन यहां तक निकाल लिया था और यही बचा हुआ था, तो यही है एन का कॉम्प्लीमेंट। जीरो को नहीं लेंगे क्योंकि जीरो ना तो नेगेटिव होगा ना तो पॉजिटिव होगा, तो ये एन कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब हम सॉल्व करेंगे ये पी वाला, सेकंड वाले के लिए। ठीक है, पी वाले में क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नॉन पॉजिटिव नंबर, जिसको हमें सॉल्व करना है पी कॉम्प्लीमेंट के लिए। ठीक है, तो
इसमें हमें क्या लेना है, नॉन पॉजिटिव नंबर, जो पॉजिटिव ना हो मतलब नेगेटिव वाला लेना है इसमें, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से नॉन पॉजिटिव मतलब नेगेटिव नंबर को हम ले लेंगे। तो ये P है सेट, और नॉन पॉजिटिव में क्या है, 4 है, माइनस 5 है, माइनस 4 है, माइनस 3 है, माइनस 2 है, माइनस 1 है, ठीक है। नॉन पॉजिटिव मतलब नेगेटिव नंबर को हमने छांट लिया है। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड वाले के लिए निकालना है P कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये सेकंड वाले के लिए निकालना है, ठीक है। तो P कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, P कॉम्प्लीमेंट में ये होगा कि यूनिवर्सल सेट में से जो हमने नेगेटिव वाला नंबर्स निकाल लिया है उसके अलावा जो बचेगा वो होगा P का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। P सेट निकाल लिया है, P का कॉम्प्लीमेंट ये होगा 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। तो लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, देख लीजिए। अब आई मुद्दे की बात समझ में आई है तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब। बाय।